दस मंजिल बना करके वो मकान खड़ा कर लीजिए, लेकिन वो दस मंजिल मकान मकान ही रहेगा जब तक उस घर में रहने वाली एक सुलक्षुड़ी गृहिणी नहीं है, तब तक वो मकान घर नहीं बन सकता है। ना ग्रहम ग्रह मित्याहु गृहिणी ग्रह मोक्षते। वास्तव में घर को घर नहीं कहा जाता है। अगर उस घर में रहने वाली एक सुलक्षुड़ी गृहिणी है तो सच में वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है। अगर उस घर में एक सुलक्षुड़ी गृहिणी है तो मकान से वो घर बना देती है, और जिस घर में गृहिणी नहीं है तो उस घर में विद्वान कहते हैं कि भूत प्रेत भी अपना निवास ले लेते हैं जिसमें रहने वाली सुलक्षुड़ी गृहिणी नहीं है। प्यारे और मैयाओं, स्त्री कोई सुंदर होने से गोरी होने से सुंदर नहीं होती। ना हम कहें भैया हम बहुत गोरे हैं, हम बहुत सुंदर हैं, वो सुंदरता माने नहीं रखती है। अच्छा, काफी माताएं हमने ऐसी देखी हैं जो देखने में रंग रूप में ठीक ठाक होएं, मतलब गोरी हो खूब सुंदर हो, और उनके बगल में आए कि कोई सांवली मैया बैठ जाए और उनने देखो न्यों को चाहे मेरे ध्यान बैठने को मिले, देखो सकल की ना सूरत की कैसी आई हमारे बगल में बैठ गई आएगी। तो ये माताओं में खासियत होती है, लेकिन मैया ये सुंदरता माने नहीं रखती है। व्यक्ति का कर्म कृत्य चरित्र माने रखता है ना। औरत देखने में इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, और तुम्हारे माँ बाप की कदर ना करे, सुबह शाम रोज उठते ही कण सा ससुर को सौ दो ऐसे सीधी सी पकड़ा है का गाली, तो उसे सुंदर कहेंगे आप? विद्वान कहते हैं कि जग में है सुंदर नारी पति से जो प्यार करे स्नेह करे, जग में है सुंदर सेवा पति देवा पति है श्रृंगार, पति सेवा पति देवा पति है श्रृंगार, और सास ससुर की सेवा करके जीवन ले सुधारी प्रभु को ध्यान धरे, जग में है सुंदर नारी पति से जो प्यार करे स्नेह करे, जग में है सुंदर नारी। जग में है सुंदर नार पति से जो प्यार करे, लंगड़ा है लूला है काला है गोरा है मोटा है पतला है छोटा है बड़ा है, लेकिन पत्नी की दृष्टि में उसका पति परमेश्वर स्वरूप है। अरे कहते हैं मैया सुनीति छह महीना बिना पति के दर्शन किए हुए गुजारे उसने, लेकिन फिर भी उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। जब पति के पास रही महलों में तब भी उसका नियम था, आठों पैर पति की ताबेदारी बजाती थी, पहले पति का ख्याल उन्हें भोजन उसके बाद स्वयं पाती थी। और अलग हो गई झोपड़ी में निवास उसे मिल गया, फिर भी उसने नियम नहीं तोड़ा। मैया रोज चार रोटी जौ की बनाती, दो रोटी नमक से निकाल कर उत्तान पाद के नाम की रख देती थी प्यारे, उसके बाद दो रोटी स्वयं खाती थी। आज कितनी मैया और सवेरे उठ के सास ससुर के या पति देव के पांव छूती ऊपर हाथ करी हो जरो, हाय राम देखो जा लग रही गंगा जी को सहला हुआ को है कोई अम्मा दे अम्मा तुम हो खटपट्टे हो जाए तो का कह रही है तो ना जब बात ना मान सकते हैं।
अच्छा जी भी छोड़िए, न्यू बताओ कितनी मैया ऐसी हो जो पहले पति देव को, सास ससुर को, पति देव को भोजन कराती है, उसके बाद खुद खाती है। ईमानदारी से झूठ नहीं बोली हो। देखो अब है कछु कछु लगे ऊपर, जो मैंने कही ईमानदारी झूठ सुनो है। चोरी पकड़ गई। अच्छा मैया आप लोग ये सोचो कि पति देव घर ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं, पति कहीं बाहर रहते हैं, नौकरी कर रहे हैं। मैया ये जरूरी नहीं है कि आपके पति आपके पास हो तभी आप पति के चरण स्पर्श करें या उन्हें भोजन कराएं। कुछ नहीं, सुबह उठकर उन्हें याद कर लीजिए। और आजकल तो घर घर में एंड्रॉइड फोन है टच, कछु ना सवेरे उठ के वीडियो कॉल कर ली महाराज प्रणाम करती हूँ, और कछु नहीं होवे तो कछु नहीं सुबह उठ के उन्हें याद कर लीजिए प्रणाम स्वीकार होगी। और भोजन करने से पहले थाली परस के रखिए, याद करिए, क्योंकि प्रेम में वो शक्ति वो तासीर हुआ करती है प्यारे। सीक्रेट में जैसी बात रखोगे एक दिन वो सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, एक दिन वो सत्य हो जाता है। सीक्रेट का ये नियम होता है। अच्छा एक बात और कहूं मैं, अब कोई कोई तो ऐसी होंगी लाली, हम तो बहुत कोशिश करें कि पति देव को भोजन करा के खाऊं, पति देव की बहुत सेवा करूं, लेकिन लाली मैं तो कहा बताऊं शाम को वे ठंडी चाय पी के आते हैं। ठंडी चाय समझते हैं ना, सभी समझदार हैं। कोई पियता है का? कोई पियता है? कौन प्रधान जी सच्ची में? परीक्षित महाराज चल जा तो थोड़ी थोड़ी पौआ खांड ढक्कन खांड फिर होली दीपावली हाँ यू करे हाँ होली दीपावली चल जाते हैं। अच्छा भैया एक बात बताऊं, शराब पीने वाले को कीचड़ में ऐसी वही फीलिंग आवे, शराबी को। अच्छा शराबी किसे कहते हैं? शराबी उसे कहते हैं कमाए दो और गमाए चार, जो घर से है वो भी ले जाए, और कभी कभी पी लेना होली दीपावली शादी पार्टी कभी कभी वो शौक बन जाता है। आप परीक्षित कितने खुश कह रहे हैं, सही कह रही है लाली। अमन जो कह दिए जा को मतलब जो नहीं है कि पीना बंद नहीं करोगे आप, होली दीपावली चलेगी ऐसा नहीं है। हाँ भैया शराब पीने वाले को एसी की फीलिंग आवे वो कीचड़ में, दो शराबी ठेका पे गए। अच्छा कोई पीछे पिए तो यूं ना कहियो लाली मोते कह रही है, दो शराबी ठेका पे गए।